ओके सर, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। क्या बोलता है पब्लिक, कुछ नया सीखने को तैयार है? आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग एक नया चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। चलो लेट द गेम बिगिन। अगर आप मुझे पूछते हो, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आप पूछोगे क्यों सर? बिकॉज ये हर एग्जाम में, आप समझ लो मिनिमम 15 चैप्टर है ना, अगर तो 15 चैप्टर में से अगर कोई चैप्टर हर एग्जाम में मिनिमम यार इतने मार्क्स के लिए आ रहा है, कितने मार्क्स के लिए? 10 to 15 मार्क्स के लिए। देन इन दैट केस आप लोग समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, कई बार कंपलसरी क्वेश्चन जो होता है ना, जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 होता है, उसमें से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, दैट इज आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। मतलब एमसीक्यू के लिए भी एकदम एकदम मजा आ जाता है एग्जामिनर को इसमें एक्सपेरिमेंट करने में। एंड ओवरऑल दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। अब क्या इसका कनेक्शन है एंड हाउ डज इट ऑल वर्क? ऑडियो वीडियो बराबर आ रहा है? आयुषी देख, तेरे को सुनाई दे रहा है बराबर से? चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं अभी ये सेशन को फुल फोकस। अब तक अपन लोग ने कौन सा चैप्टर किया? कहना इसे कॉस्टशीट। कॉस्टशीट में अपन लोग एकदम माहिर हो गए हैं, एकदम चैंपियन हो गए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अपन लोग ने ये जो चैप्टर किया है ना कॉस्टशीट, उस चैप्टर में मालूम है अपन लोग डालते हैं, मतलब उस चैप्टर में अपन लोग डालते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है ना? इस चैप्टर में अपन लोग डालते हैं डायरेक्ट कॉस्ट एंड दूसरा अपन डालते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे जो हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट डालते हैं ना, इसमें 3 चीजें आप लोगों को बाय डिफॉल्ट सब में मिलती है। एक मिलता है समथिंग कॉल्ड एज अ मटीरियल, दूसरा आप लोगों को सब मिलता है समथिंग कॉल्ड एज अ लेबर, तीसरा आप लोगों को मिलता है एक्सपेंस और ओवरहेड। सही बोल रहा हूं मैं? एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, बराबर है, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, बराबर है। ये इधर डायरेक्ट मटेरियल भी है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, इधर डायरेक्ट लेबर भी है, इनडायरेक्ट लेबर भी है, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों आ गए। इधर डायरेक्ट एक्सपेंस भी है, इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है। एम आई राइट एवरीबॉडी? ओ यस आयुषी, डन डन डन। तो मैं एक टाइम स्केड्यूल बता दूंगा, तब अपन लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। हाँ, अब यहाँ पे ये जो तेरा मटेरियल वाला सीन है ना, ये एक्सक्लूसिवली कवर होता है चैप्टर 2 में। ये जो तेरा लेबर वाला सीन है ना, वो एक्सक्लूसिवली कवर होता है चैप्टर 3 में। और ये जो तेरा एक्सपेंस या ओवरहेड वाला सीन है ना, ये एक्सक्लूसिवली कवर होता है तेरा चैप्टर 4 ओवरहेड्स करके चैप्टर में। आज अब देखो, अपन लोग ने सिस्टम स्टार्ट किया कॉस्ट शीट से। कॉस्ट शीट को अपन लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट हो या इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल है, उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ओवरहेड है, सब है, कोई उस चीज का टेंशन नहीं है। बट उसमें से अब एक एक को और इन डेप्थ अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं। एंड ये इन डेप्थ पढ़ने में वी विल से दैट चैप्टर 2 इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। चैप्टर 2 इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर 2 एंड दैट गाइस इज मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग, आ जाइए आ जाइए आ जाइए एवरीबॉडी। अब मेरा आप लोगों को सबसे पहला सवाल, मटेरियल क्या होता है? क्या ये कैलकुलेटर मटेरियल है या ये कैलकुलेटर को बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज किया है वो मटेरियल है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एकदम सिंपल, स्टेप बाय स्टेप जाते जाएंगे अपन, टेंशन मत लेना। मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या ये कैलकुलेटर एक मटेरियल है या ये कैलकुलेटर को बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज किया है वो मटेरियल है? क्या ये बॉटल मटेरियल है या ये बॉटल को बनाने के लिए जो स्टील यूज किया है वो मटेरियल है? मुझे जरा बताना तो आप लोग एवरीबॉडी, क्या ये, क्या बोलो और क्या बोलो बोलो, क्या ये वॉलेट मटेरियल है या ये मटेरियल वॉलेट को यूज करने के लिए सिर्फ रेक्जिन या लेदर जो यूज किया है वो मटेरियल? यू हैव टू आंसर मी एवरीबॉडी। करेक्ट, वेरी गुड अर्चित। सो
सर यहाँ पे जो कैलकुलेटर बनाने के लिए प्लास्टिक यूज हुआ है, या ये बॉटल बनाने के लिए स्टील, या ये वॉलेट बनाने के लिए जो लेदर यूज किया है, ऑल ऑफ दैट बेसिकली इज योर मटेरियल, ऑल ऑफ दैट इज बेसिकली योर मटेरियल। तो आओ लिखते हैं अपन लोग इस चीज को भी। सो मटेरियल इन शॉर्ट क्या होता है बेटा? कैलकुलेटर बनाने के लिए प्लास्टिक, चेयर बनाने के लिए वुड, बॉटल बनाने के लिए स्टील, या मेरा वॉलेट बनाने के लिए लेदर, ये सब जो चीजें हो रही है ना बेटा, वो होता है मटेरियल, राइट? सो कैन आई से ये आउटपुट है जो स्टील है वो क्या हुआ, वो क्या हुआ? यस लिख के बताओ। करेक्ट, इनपुट है। ये आउटपुट है, इसको प्लास्टिक जो यूज किया वो क्या है? इनपुट है। मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट इन मेकिंग ऑफ अ आउटपुट, इन मेकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, इन मेकिंग ऑफ अ आउटपुट, या जिसको अपन बोलते हैं इन मेकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है आपको एवरीबॉडी? सो मटेरियल क्या है? इनपुट यूज्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट, राइट एवरीबॉडी? अगर अगर मेरे को एक एग्जाम्पल देना हो तो मैं बोलता हूं आउटपुट में क्या क्या आ सकता है। क्या एक पेन एक आउटपुट है? हाँ सर। क्या एक शर्ट एक आउटपुट है? हाँ सर। तो मेरा ये शर्ट एक आउटपुट है। क्या मेरी कार एक आउटपुट है? हाँ सर। बट अपने को इस आउटपुट के बारे में नहीं पढ़ना है, अपने को पढ़ना है ये पेन बनाने के लिए यूज किया गया मटेरियल विच कुड बी अ प्लास्टिक। अपने को पढ़ना है ये शर्ट बनाने के लिए यूज किया गया मटेरियल विच इज कॉटन। अपने को पढ़ना है ये कार बनाने के लिए यूज किया गया मटेरियल विच इज स्टील, विच इज स्टील। गॉट इट गाइस? क्या अपने को समझ में आ गया? सो ये अपना फोकस इस चैप्टर में किसके ऊपर है? करेक्ट, ये स्टील, ये प्लास्टिक, ये कॉटन जो यहाँ पे दिख रहा है ना, दैट इज आवर फोकस, विच इज नथिंग बट योर इनपुट, विच इज नथिंग बट योर इनपुट। गॉट इट। बस तो ये कॉटन, ये प्लास्टिक, ये स्टील, ये सब क्या है सर? ये सब मटेरियल है, ये सब मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, जो भी हो सब मटेरियल है। मेरे को बताओ एक मोबाइल बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज होता है? चलो एक मोबाइल बनाने के लिए, आपके हाथ में मोबाइल होगा, अब हो सकता है आप मोबाइल पे ही देख रहे हो। एक मोबाइल बनाने के लिए क्या क्या इनपुट मटेरियल यूज होता है बताओ? बोलो बोलो, टेल टेल। एक मोबाइल बनाने के लिए क्या क्या इनपुट मटेरियल यूज होता है? कम ऑन एवरीबॉडी, यू हैव टू थिंक एंड आंसर। ओके वेरी गुड, आयुषी बोल रही है प्लास्टिक। ओके अदर्स, ग्लास, वेरी गुड। और कुछ? तो ग्लास मतलब बेसिकली स्क्रीन। सो मैं बोलता हूं कि यार देखो एक मोबाइल बनाना है तो उसके लिए क्या क्या मटेरियल इनपुट यूज होता है? आप बोल रहे हो सर स्क्रीन यूज हो सकता है। सर कैमरा भी एक तरह का इनपुट ही है, कैमरा भी एक तरह का इनपुट ही है, से बैटरी भी एक तरह का इनपुट ही है कि नहीं? सो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें इनपुट है। दीज आर ऑल इनपुट्स रिक्वायर्ड टू मेक द आउटपुट, दीज आर ऑल इनपुट्स रिक्वायर्ड टू मेक द आउटपुट, टू मेक द आउटपुट। समझ में आ रहा है आपको, राइट? सो क्या मैं अब मटेरियल का, सुनो ना, क्या मैं आप लोग सब लोगों की परमिशन के साथ, कैन आई से मटेरियल का एक डेफिनेशन डाल सकता हूं क्या? कैन आई राइट इट एज टेंजिबल आइटम्स? ये स्क्रीन, ये कैमरा, ये बैटरी, ये बॉटल बनाने के लिए स्टील, कार बनाने के लिए स्टील, शर्ट बनाने के लिए कॉटन, पेन बनाने के लिए प्लास्टिक, कैन आई से ये सारे टेंजिबल आइटम्स हैं दैट आर यूज्ड, या जिसको अपन बोलेंगे दैट आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड गुड्स, इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड गुड्स। कैन आई, एम आई राइट गाइस? समझ में आ रहा है इतना?
ठीक है। अच्छा अब मेरा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज मटेरियल कॉस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस? माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू ईच वन ऑफ यू, इज मटेरियल कॉस्ट इंपॉर्टेंट इन बिजनेस? क्या लगता है आपको? बोलिए अर्जुन जी, क्या लगता है, इज मटेरियल कॉस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस? इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, यह है मेरा क्वेश्चन। आप लोग का जवाब है यस। अरे भाई यस नहीं, लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इस बॉटल का उस स्टील के बिना कोई अस्तित्व है? नहीं। क्या इस शर्ट का उस मटेरियल कॉटन के बिना अस्तित्व है? नहीं। क्या इस कैलकुलेटर का उस प्लास्टिक के बिना अस्तित्व है? द आंसर इज नो। दुनिया का कोई भी, क्या मोबाइल स्क्रीन, कैमरा, बैटरी जो मटेरियल है उसके बिना बन सकता है? नहीं। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट उसके इनपुट या मटेरियल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल के बिना वो बन ही नहीं सकता। आपको एक रिसर्च बताऊं मैं, स्टैटिस्टिक, थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड एटलीस्ट 40% कॉस्ट इज रिलेटिंग टू द मटीरियल। बॉस अगर मेरे बिजनेस का, मेरे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का 40% कॉस्ट ये मटीरियल खा रहा है, तो आप समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये मेरा ज्यादा हो गया ना, तो मेरा ओवरऑल 40% कॉस्ट बढ़ जाएगा। और ये अगर मैं सही सिस्टमैटिकली यूज करूंगा ना, देन इन दैट केस मेरा प्रोडक्ट भी एकदम अच्छी क्वालिटी का बनेगा और सही दाम में, राइट कॉस्ट के ऊपर। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज? राइट, बिकॉज इनपुट कॉस्ट इज डिफाइंड द आउटपुट कॉस्ट। अरे वो ही है भाई, ये इनपुट कॉस्ट के बिना बनेगा ही नहीं। सो ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत मत यूज करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हम। आओ, सो बेसिकली मटेरियल कंसिस्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट 40% ऑफ टोटल कॉस्ट, 40% ऑफ टोटल कॉस्ट एंड सीन क्या है पता है? दैट मटेरियल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 40% ऑफ टोटल कॉस्ट। सो इसके लिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन आर कॉस्ट स्ट्रक्चर। देयरफॉर इधर लिख सकते हैं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन आवर कॉस्ट स्ट्रक्चर, इन आवर कॉस्ट स्ट्रक्चर। और अगर ये एलिमेंट नहीं लिया ना भाई साहब, ओ भाई साहब, ये एलिमेंट को अगर सीरियसली नहीं लिया ना आपने, तो हो गया, पंगे हो जाएंगे, बता रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन आवर कॉस्ट स्ट्रक्चर। एंड लिख दो एंड एग्जाम, एंड एग्जाम्स। चलो डन, समझ रहे हैं? ओके, अब इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस आप लोग समझ गए। क्यों समझ गए हो? क्योंकि बॉस अगर ये चैप्टर, भाई साहब अगर ये चैप्टर, अगर ये मटेरियल 40% कंसिस्ट करता है टोटल कॉस्ट का, तो ऑब्वियसली ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर में है ना, दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है क्वालिटी ऑफ मटेरियल, दूसरा होता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अगर आपका जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका रॉ मटेरियल प्रॉपर क्वालिटी का नहीं है, तो क्या आपका आउटपुट अच्छा बनेगा? क्या? कभी नहीं। अगर मैं आपको बोलता हूं, मैं ये छोटा सा कैलकुलेटर बना रहा हूं, इस कैलकुलेटर के लिए जो प्लास्टिक यूज कर रहा हूं वो प्लास्टिक इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, विल यू बी एबल टू मेक गुड क्वालिटी कैलकुलेटर? अगर मैं आपको बोलता हूं जो बॉटल है वो बॉटल बन रहा है स्टील से, बट दैट स्टील इज ऑफ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, क्या मेरा बॉटल अच्छा बन पाएगा? द आंसर इज नो। सो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल मंगवाना है कि फैक्ट्री में चीजें सही लेवल पे, प्रोडक्शन भी ना अटके, ओवर रॉ मटेरियल भी ना मंगा लू,
एंड चीजें सही तरीके से चलती रहे। ये सारी चीजों को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इन दिस चैप्टर, मटेरियल कॉस्टिंग। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? एक बेस खड़ा कर रहा हूं मैं, एक फंडामेंटल खड़ा कर रहा हूं तुम लोग के आगे। तुम लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये? राइट, गेट इट? सो यहां पे अब मैं लिखवा देता हूं, दैट दैट मैनेजिंग, हेलो, मैनेजिंग प्रॉपर क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, इन मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। राइट, सो अपना फोकस इन दोनों के ऊपर है, ऑब्वियसली इन क्वालिटी के ऊपर भी है, बिकॉज क्वालिटी के बिना, क्वालिटी इनपुट के बिना आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, एंड क्वांटिटी भी सही लेवल पे मैनेज होना चाहिए। सो वी विल राइट इन दिस चैप्टर, लिख लेते हैं। देखो ये सब चीजें मैं लिखवा क्यों रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको, समझ भी रही है, फिर लिखवा क्यों रहा हूं, ताकि आप लोग जब रिवाइज करो ना गाइस, तब आप लोगों के पास एक प्रॉपर ठोस मटेरियल होना चाहिए, सो दैट योर रिविजन इज ऑल्सो वेरी वेरी फास्ट, स्मूथ एंड सक्सेसफुल। राइट, सो क्योंकि कई बार स्टूडेंट लोग रिविजन के टाइम पे अटक जाते हैं, नोट्स बराबर नहीं होते, लिखे हुई चीजें बराबर नहीं होती है, एंड यू गेट स्टक। मेरा नोट्स मैं आपको इतना अच्छा बना के दे रहा हूँ कि मेरी सारी बातें आप लोगों को याद आ जाएगी जब आप रिवाइज करते जाओगे। दैट्स द इंपॉर्टेंस, एंड आप लोग भी साथ साथ में लिखते जाओगे, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। एक होता है कि आप थोड़ा लेजीनेस में खाली सुनोगे लेक्चर, दूसरा है कि आपको अगर जेन्युइनली अच्छे मार्क्स चाहिए, जेन्युइनली कुछ अच्छा करना है, तो आप एफर्ट लेके साथ साथ में लिखते भी जाओगे। जितना लिखोगे उतना सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर होगी, उतना याद रखना, बाकी चॉइस आपका है। बता रहा हूं, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको ये चीजें मुझे बोलनी पड़े, स्टिल ठीक है। सो इन दिस चैप्टर आर फोकस इज ऑन व्हाट, आर फोकस इज ऑन किस चीज के ऊपर अपना फोकस, एंश्योरिंग दैट सफिशियंट गुड्स और रॉ, जिसको अपन बोलते हैं रॉ मटेरियल, सफिशियंट गुड्स स्लैश रॉ मटेरियल आर रिटेन्ड इन स्टॉक, आर रिटेन्ड इन स्टॉक are retained in stock to meet all requirements, to meet all requirements without carrying unnecessarily large stocks. Unnecessarily large stocks. समझ रहे हैं आप लोग? सो अपना फोकस बहुत क्लियर है कि बस इतना रॉ मटेरियल होना चाहिए कि एक्स्ट्रा भी ना हो जाए। क्यों सर, एक्स्ट्रा होगा तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ही है ना? अच्छा नहीं है, एक्स्ट्रा हो गया तो उतना पैसा भी तो देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, उतना पैसा अटक जाएगा, ये सब चीजें समझाऊंगा, बट एक खाली बात बोल रहा हूँ कि एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, और ये बैलेंस बताने के लिए उनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको एक कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत लगेगी, जो अब अपन इस चैप्टर में पढ़ के वो चीजों को अप्लाई कर पाएंगे। मोटा मोटा समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या करना है इसमें, इस चैप्टर में क्या करना है? फोकस इज ऑन इंश्योरिंग क्या सफिशियंट गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल है अपने पास, कोई टेंशन नहीं चाहिए उसमें, टू मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स, ताकि भाई रिक्वायरमेंट भी मीट हो जाए, अननेसेसरीली लार्ज स्टॉक भी ना रहे मेरे पास, एंड एट द सेम टाइम मेरा प्रोडक्शन भी अफेक्ट ना हो, दैट्स द मेन पॉइंट। सो ऐसे टाइम पे अपने को पता होना चाहिए कि मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 40% ऑफ टोटल कॉस्ट,
भाई आपने ही लिखा है ना, मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 40% ऑफ टोटल कॉस्ट, तो मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? अब मैं ये नहीं लिखूंगा, ये आप मुझे बताओ क्या लगता है, ये मटेरियल कॉस्ट में, ये कैलकुलेटर बनाने के लिए मुझे चाहिए मटेरियल, कौन सा मटेरियल? प्लास्टिक। क्या मटेरियल कॉस्ट में चीजें आएंगी, ये आप लोगों को 2 मिनट सोच के मुझे बताना है, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लिखूंगा। भले याद मेरे को लेक्चर भी मेरे को ना लेना हो तो भी मैं चलेगा, और तुम लोग गूगल ड्राइव में देख रहे हो तो भी चुपचाप बैठे नहीं रहना है अपना, कुछ भी अगर साइड साइड पे रहेगा कोई नोट्स या एनीथिंग तो लिखते रहो। कौन बोलो एवरीबॉडी? सो आंसर्स आए हैं भाई, देखो अगर मेरे को फोकस इज ऑन एंश्योरिंग दैट सफिशिएंट गुड्स और रॉ मटेरियल आर रिटेन्ड इन स्टॉक, तो ये रॉ मटेरियल का क्या क्या कॉस्ट आता है वो तो पहले पता चले, एंड दिस इज वेयर द मटेरियल कॉस्ट बिकम्स सो इंपॉर्टेंट, दिस इज वेयर मटेरियल कॉस्ट बिकम्स सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मटेरियल कॉस्ट में क्या आएगा, मैं आपको एकदम सिंपल सा सवाल पूछता हूं, ये अगर मेरे को कैलकुलेटर ही बनाना है तो उसके लिए प्लास्टिक खरीदना पड़ेगा, तो प्लास्टिक खरीदने का कैन आई से परचेज कॉस्ट, सो यहां पे कैन आई से परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एंड खाली परचेज से कुछ नहीं होगा, हेलो, खाली परचेज से कुछ नहीं होगा, परचेज के साथ उसका रिसीप, तो वो भी रिलेटेड फ्रेट एक्सपेंसेस भी लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, बराबर है। अब अगर मैंने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया और उसके लिए वर्किंग कैपिटल लोन लिया है, तो वो वर्किंग कैपिटल लोन का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो वो भी मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, ये सारी चीजें बिकम्स अ पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, समझ रहे हैं आप लोग? सो परचेज एंड रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, बराबर। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कितना क्वांटिटी रॉ मटेरियल, चलो मैं एक सेकंड, पहले क्या क्या कॉस्ट है वो ऐड लेते, क्या ये समझ में आया तुम लोगों को कि सबसे पहले परचेस कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा, बराबर है। वेजेस कहां से बीच में आ गया आयुषी, मटेरियल में वेजेस कहां पे बीच में डाल रही है यार, लाइक सीरियसली तूने वेजेस लिखा है, वेजेस तो मटेरियल के ऊपर काम करेगा ना, काम बाद में करवाएंगे, पहले मटेरियल तो आ जाए, तो मटेरियल आएगा कब, जब अपन परचेस करेंगे और परचेस के लिए उसको कंसिडरेशन देंगे, सो परचेज एंड रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज एंड रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बराबर है। प्लस उसको स्टोर करना पड़ेगा, इस चीज को स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोरेज रिलेटेड कॉस्ट भी आएगा भाई, जैसे वेयरहाउसिंग, बराबर है। क्या मेरे सर पे रखोगे क्या रॉ मटेरियल, स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो स्टोर करोगे तो स्टोर करने का वेयरहाउसिंग कॉस्ट, फिर कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना इश्यू हो रहा है, ये सारी चीजें इज अ पार्ट, तो ट्रांसपोर्टेशन आ गया, तो इधर अपन लोग लिखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, बराबर है। फिर इश्यू एंड कंजम्पशन,
ये सब मिला के मेरा मटेरियल कॉस्ट बनता है, ये सब मिला के मेरा मटेरियल कॉस्ट बनता है। अब इस मटेरियल में देखो कितना क्वांटिटी रॉ मटेरियल परचेज करना है, कब ऑर्डर करना है, ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर। क्या कितना क्वांटिटी रॉ मटेरियल, लिखते जाओ मेरे साथ, लिखते जाओ। कितना क्वांटिटी रॉ मटेरियल है, कब ऑर्डर करना है, कैसे करना है, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। समझ रहे हैं? राइट सो ये सब चीजें अब अपने को समझनी है इस चैप्टर में, ये सब चीजें अभी अपने को समझनी है इस चैप्टर में। अब इसके लिए, ये मटेरियल के लिए प्रॉपरली ये सब चीजें मैनेज हो जाए, इसके लिए मैं एस्टेब्लिश करने वाला हूं आप लोगों के साथ एक परचेज डिपार्टमेंट। क्योंकि रॉ मटेरियल परचेज कौन करेगा, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल परचेज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मेरा परचेज डिपार्टमेंट एकदम अच्छा होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश। तो सर ये परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम होगा, आओ बताता हूं मैं। टू मैनेज, इनका मेन काम होगा टू मैनेज रॉ मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू मैनेज रॉ मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हैं आप लोग एवरीवन? Got it? So, सबसे पहला चीज परचेज डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा इज सप्लायर के पास से पहले कोटेशन मंगवाना पड़ेगा, कोटेशन फ्रॉम सप्लायर। उस जितने भी सप्लायर्स है उसमें से बेस्ट सप्लायर को जो बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट रेट्स देगा उसको चूज करेंगे। बराबर कि नहीं? आप लोग खुद सोचो ना, आपको अगर से फॉर एग्जाम्पल ये रॉ मट ये कैलकुलेटर बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, अब अगर आपको ये प्लास्टिक चाहिए तो ये प्लास्टिक आप कहां से मंगाओगे? बराबर है, सप्लायर के पास से। दुनिया में एक ही सप्लायर है क्या? अलग अलग सप्लायर होंगे जो अलग अलग क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक अलग अलग रेट पे देते होंगे। तो आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहला आपको मंगाना पड़ेगा कोटेशन फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स। ये देखो मैं आपको प्रैक्टिकली फैक्ट्री के अंदर घुस के समझा रहा हूं, ये होता है प्रैक्टिकली। क्या कि पहले आप कोटेशन मंगाते हो किसके पास से, सप्लायर के पास से। अब से फॉर एग्जांपल आपको पांच सप्लायर के पास से कोटेशन आ गया, तो किसको चूज करोगे? जो बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल एट डिसेंट रेट्स मेरे को दे। बराबर है? सो चूज सप्लायर विद क्या, हाँ, बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल, करेक्ट, एंड लो कॉस्ट। भाई कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड लो कॉस्ट। डन है सर, ये भी काम कर लिया हम लोग ने। उसके बाद क्या, अब हम लोग ने सप्लायर चूज कर लिया, छह सप्लायर थे उसमें से एक सप्लायर को चूज कर लिया। अब उसको अपन लोग फोन करके बोलेंगे, चल भाई मेरे रॉ मटेरियल का ऑर्डर लिख। फिर वो बोलेगा पैसा दो, फिर अपन पैसा देंगे तो वो अपने को माल भेजेगा, फिर अपन लोग माल रखेंगे कहाँ पे, इतना रॉ मटेरियल रखेंगे कहाँ पे, अपन लोग उसको अपने फैक्ट्री के स्टोर में स्टोर करेंगे। समझ रहे हैं? ये ऐसा सिस्टमेटिकली चीजें होती है। कोटेशन चूज चूज कर लिया, अब ऑर्डर करो, ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन शॉर्ट परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर। नेक्स्ट, अब इंश्योर करना है कि टाइम पे आ जाए भाई, इंश्योर करना है कि टाइम पे आ जाए। तो एक बार अभी
ऑर्डर कर दिया है, अब अपने को एंश्योर करना है कि टाइम पे आ जाए। तो रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑन टाइम। फिर अब रॉ मटेरियल आ गया मेरे पास, अब क्या करूंगा, सीधा स्टोर करूंगा क्या? नहीं, पहले इंस्पेक्ट कर लो सर सही है कि नहीं, क्योंकि जो सही नहीं है या तो उसको बेच देंगे या रिटर्न कर देंगे सप्लायर को। तो अपने को क्या करना पड़ेगा सर? इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। सो इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, समझ रहे हैं आप लोग? डन। ओके, उसके बाद में अगर कोई खराब मटेरियल हुआ तो उसको रिटर्न, सो रिटर्न ऑफ पुअर क्वालिटी रॉ मटेरियल, रिटर्न ऑफ पुअर क्वालिटी समझ रहे। सो जो भी पुअर क्वालिटी रॉ मटेरियल रिटर्न कर दो भाई। सो से फॉर एग्जांपल हम लोग के अपने रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया 100, उसमें से 5 डिफेक्टिव निकला, तो 5 गया, बचा कितना? 95 रॉ मटेरियल, 95 रॉ मटेरियल बचा, समझ रहे। तो डिफेक्टिव हो गया तो ये रिटर्न हो गया, डिफेक्टिव हो गया तो ये रिटर्न हो गया, बचा कितना? 95। ये 95 को लेके जाके मैं क्या करूंगा? अपने स्टोर में रखूंगा, अपने स्टोर में रखूंगा। तो सेवेंथ पॉइंट, स्टोरेज, या जिसको अपन बोलते हैं स्टोर्स डिपार्टमेंट, उसमें रखना पड़ेगा भाई साहब। ऐसा नहीं है, देखो एक फैक्ट्री होता है, सुनो मैं आपको एक प्रैक्टिकली बताता हूँ। एक फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री में समझो ये रॉ मटेरियल यहाँ पे आया, ठीक है। अब कुछ रॉ मटेरियल है जो मेरे मशीन पे जाएगा, तो मशीन उसको प्रोसेस करेगा। एक मेरा इधर स्टोर्स डिपार्टमेंट भी होता है, तो ये जो भी रॉ मटेरियल आया ना, ये पहले इधर स्टोर्स डिपार्टमेंट में जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है, इस प्रोडक्शन मैनेजर को जब भी रॉ मटेरियल की जरूरत लगती है ना, वो स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास जाता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट उसको रॉ मटेरियल देगा, और फिर वो यहाँ पे जाके प्रोसेसिंग चालू करेगा, और फिर यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम होता है, समझ गए आप लोग? ऐसा तो सेवेंथ क्या करेगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट पे स्टोर्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, अब सर अब क्या, अब तो स्टोर कर लिया ना, बस अब फिर जब भी प्रोडक्शन टीम को जरूरत लगेगी, मैंने बोला ना प्रोडक्शन टीम को जरूरत लगेगी, तो वो स्टोर्स टीम में जाएगा, रॉ मटेरियल ले लेगा। सो नेक्स्ट इज इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल बाय प्रोडक्शन टीम, बाय प्रोडक्शन टीम। फिर बस हो गया। अब प्रोडक्ट देखो, अब स्टोर्स डिपार्टमेंट में पहले समझो 100 रॉ मटेरियल आया, उसमें से सर सिर्फ 60 रॉ मटेरियल उसको चाहिए तो इधर गया, तो ये सबका प्रॉपरली रखना पड़ेगा ना। सर इफ स्टोर डिपार्टमेंट इज ऑन रेंट, देन रेंट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। वेरी गुड आयुषी, एब्सोल्युटली इट विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। वो सब अपन लोग आगे अभी करते जाएंगे। एब्सोल्युटली इट विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, तो इधर देख लिखा है ना अपन लोग ने स्टोरेज रिलेटेड कॉस्ट, ये यही वाला है। वेरी गुड कनेक्शन। तो इधर अपन लोग लिख सकते हैं स्टोर्स का स्टोरेज रिलेटेड कॉस्ट, है ना, रेंट हो गया या कुछ भी कॉस्ट लग रहा है, वो जो भी है स्टोरेज मैनेजर होता है वो भी कॉस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो भी कॉस्ट आएगा, सब आएगा, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट, नाइन, नेक्स्ट पॉइंट, अब ये सब इधर कितना रॉ मटेरियल स्टोर्स में आया, कितना गया, सब अपने को प्रॉपरली हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल। लास्ट में देखो, अब यहां पे सब चीज बराबर चल रही है कि नहीं, उसके लिए आपको एक ऑडिटर चाहिए, कॉस्ट ऑडिटर, सीए ऑडिटर, जो भी है, तो आप करवाओगे यहां पे लास्ट में स्टॉक ऑडिट। एंड एक बार आपका स्टॉक ऑडिट हो जाता है, उसके बाद में
आप करवाओगे इनवॉइसिंग एंड पेमेंट, आप करवाओगे इनवॉइसिंग एंड पेमेंट। समझ में आ गया आपको? दिस इज हाउ द होल सिस्टम ऑफ परचेज वर्क्स, दिस इज हाउ द होल सिस्टम ऑफ परचेज वर्क्स। एनी डाउट्स एनीबॉडी? ठीक है, अब लिख लो, समझ लो, मतलब पूरा सिस्टमेटिकली समझा तो दिया ही है, बस अब आपके दिमाग में एक बार आपका वो फैक्ट्री हो गया पूरा सेट, ये ऐसे फैक्ट्री में काम होता है। और इसमें अपन लोग ने पूरा रॉ मटेरियल का ही बात किया, अब इसके बाद लेबरर का भी काम है, ओवरहेड्स का भी काम है, वो सब अलग अलग होता है, बट एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सप्लायर टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम स्टोर टू फैक्ट्री बोथ विल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट। जी हाँ मैडम जी, यहाँ पे लिखा तो है ट्रांसपोर्टेशन, ये भी ऐड हो जाएगा सब अपने मटेरियल कॉस्ट में, आप टेंशन मत लो, एक एक कॉस्ट को चुन चुन के अपन लोग एक एक कॉस्ट को हिसाब लेंगे, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन मटेरियल कॉस्ट। देखो लिखा भी है, स्टोर वाला भी लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन वाला भी लिखा है, सब लिखा है। ठीक है चलो डन। अब सुनो, नाउ बिकॉज मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि अपना जो मटेरियल परचेज है उसका एक प्रॉपर फ्लो, सिस्टमैटिक फ्लो सेट हो, ओनली देन थिंग्स विल बी इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। सो एक प्रॉपर फ्लो सेट होना चाहिए, एक प्रॉपर फ्लो सेट होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, देन थिंग्स विल गो इन अ प्रॉपर मैनर। सो चलो आप देखते हैं मटीरियल परचेज का फ्लो कैसे बैठता है। सो हियर वी आर, मटीरियल परचेज फ्लो। अब देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज एवरीबॉडी फोकस करना। अब क्या क्या अपना काम है, क्या क्या अपना काम है? सबसे पहला अपना काम है कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर महीना आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है। हर कुछ कंपनीज क्वार्टरली करती है, कुछ कंपनी 6 मंथली करती है, तो जब आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे तो करेक्ट कितना रॉ मटेरियल परचेज करोगे, सो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू परचेज एवरी टाइम, टू परचेज एवरी टाइम। सो इसको अपन लोग बोलेंगे राइट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज होना चाहिए। क्या बोला? राइट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब ऑब्वियसली इट इज बेस्ड ऑन डिमांड, कितना डिमांड है, कितना प्रोडक्शन है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। सो लिख देते हैं अपन, बेस्ड ऑन डिमांड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर आउटपुट एटसेट्रा। समझ रहे हैं? दूसरा, दूसरा चीज जो आपको पता होना चाहिए वो है, सो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू परचेज एवरी टाइम।
ये आपको पता होना चाहिए, राइट क्वांटिटी। दूसरा, कब परचेस करना है। मैंने सोच लिया भाई मैं एवरी टाइम 10-10 हजार क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेस करूंगा, बट कब? एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी डे, एवरी वीकली, कब? दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, वेन टू परचेज, वेन टू परचेज। इसको अपन बोलेंगे राइट टाइम, इसको अपन बोलेंगे राइट टाइम, समझे? सर, लॉस वाइल ट्रांसपोर्टेशन भी मटेरियल कॉस्ट में आएगा क्या? यस, गुड क्वेश्चन। सो ये पूछ रहा है कि सर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे अगर कोई चीज टूट गई और उसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा, वो सब भी आएगा क्या? सब आएगा। कैसे ट्रीट करना है वो मैं बताऊंगा आपको आगे वाले आने वाले सेशंस में, बट आएगा 101%। यस, चल नेक्स्ट। थर्ड, वेन टू परचेज हो गया थर्ड। फ्रॉम वेयर टू परचेज, कहां से परचेज करना है? तो ये ठीक है, ये क्वालिटेटिव थिंग है। सो ये अपने यू कैन से नॉट विद इन आर परस्पेक्टिव ऑफ मटीरियल कॉस्टिंग, बट हाँ लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एट व्हाट कॉस्ट और प्राइस। एट कॉस्ट, व्हाट कॉस्ट और प्राइस, विच इज बेसिकली राइट प्राइस, विच इज बेसिकली राइट प्राइस। ए समझ गुड एवरीबॉडी? सो अब समझ में आया परचेज डिपार्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ये परचेज डिपार्टमेंट का काम है क्या? टू परचेज राइट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट राइट टाइम, एट राइट प्राइस, एट राइट प्राइस। ए समझ गुड, समझ रहे हैं क्या आप लोग? गॉट इट? राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम, एट राइट। डन, चलो लिख लो एक बार, ऊपर ऊपर से एटलीस्ट लिख लो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आप लोगों को बता दी है। डन, चलो ग्रेट। अब धीरे धीरे आते जा रहे हैं अपन लोग मेन पार्ट के ऊपर। ये तो पूरा एक आप लोगों के सामने एक माहौल क्रिएट कर दिया है। सी, एक तरीका है मेरे पास कि मैं सीधा चालू कर दूं मटेरियल कॉस्ट क्या होता है एंड एवरीथिंग, और एक तरीका है कि थोड़ा आप लोगों को बैकग्राउंड दूं और फिर बाद में वहां पे पहुंचूं। अब ये बैकग्राउंड दिया ना, ये बैकग्राउंड आप कभी भूलोगे नहीं, बिकॉज दिस वॉज अ स्टोरी, स्टोरी इज समथिंग विच यू विल कैरी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बता रहा हूं मैं आपको, है ना? मूवी का स्टोरी अपने को याद रहता है, हाँ ऐसे वैसा ही कुछ है, ये याद रहेगा आपको। अब यहां से जब अपन लोग पहुंचेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि यार परचेसिंग डिपार्टमेंट क्या काम करता है, परचेसिंग डिपार्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, उसका कॉस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उसके कॉस्ट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, राइट? तो दैट इज वेयर हाउ थिंग्स शुड गो। एंड अब अपन लोग फाइनली पहुंचे अपने मेन पॉइंट के ऊपर, एंड दैट इज परचेजिंग डिपार्टमेंट। एंड दैट इज परचेजिंग डिपार्टमेंट। तो सबसे पहला है हाउ मच क्वांटिटी टू परचेज, हाउ मच क्वांटिटी टू परचेज, कितना
राइट क्वांटिटी है, कितना राइट क्वांटिटी है। देखो अब इसमें ना एक डर है कि कहीं मैं बहुत ज्यादा परचेज ना कर लू, कहीं मैं बहुत कम परचेज ना कर लू। लो आप एक तरफ चाहोगे कि एकदम कम से कम परचेज करूं, बट उसमें भी गलत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज्यादा भी परचेज कर लिया उसमें भी गड़बड़ हो जाएगा। सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। क्यों बैलेंस मेंटेन करना है आपको पता है? बिकॉज अगर समझो आपने टू मच ऑर्डर कर लिया, समझो आपने ज्यादा ऑर्डर कर लिया तो क्या तकलीफ है? टू मच ऑर्डर कर लिया आपने या टू लिटिल ऑर्डर कर लिया, चलो ठीक है ना, एक एप्ट क्वांटिटी है 10,000, बट आपको अभी ये पता नहीं है कि 10,000 क्वांटिटी आपको ऑर्डर करना चाहिए। आप तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप रोज आप 3,000-3,000 4,000-4,000 ऑर्डर कर रहे हो, तो कैन आई से यू आर ऑर्डरिंग लिटिल? अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा प्रॉब्लम पता है? आपको बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट है अच्छा खासा, बट आप एक बार में सही क्वांटिटी ऑर्डर नहीं करने वाला, तो आप टू लिटिल ऑर्डर कर रहे हो, आपको बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो सर ज्यादा ऑर्डर कर लेते, अगर आपने बहुत ज्यादा ऑर्डर कर दिया तो फिर बाद में, अभी देखो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, बार बार इनवॉइस बनाना पड़ेगा, वो कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो ये सारी चीजें आपकी बढ़ जाएगी अगर टू लिटिल रखा तो। और उसके जगह अगर आपने समझो टू मच, अगर आपने बहुत ज्यादा ऑर्डर कर दिया रॉ मटेरियल, तो भी तकलीफ है, क्योंकि फिर आपको उसको स्टोर करने का टेंशन, क्योंकि आपने ज्यादा ऑर्डर कर दिया है भाई, उतना ज्यादा जो ऑर्डर किया उसके ऊपर जो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा, उसका इंटरेस्ट का टेंशन, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टेंशन। तो ना ज्यादा ऑर्डर करना ठीक है, ना कम ऑर्डर करना ठीक है। तो सर क्या ऑर्डर करे? एकदम बैलेंस्ड क्वांटिटी। तो सर बताओ ना बैलेंस्ड क्वांटिटी क्या है? बताता हूं, बट उसके पहले डिसएडवांटेज तो पता चले, टू लिटिल ऑर्डर करने का डिसएडवांटेज क्या है? अगर अपन ने टू लिटिल ऑर्डर किया तो वी विल हैव टू ऑर्डर अगेन एंड अगेन। तो वी विल हैव टू ऑर्डर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। उससे क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, एडमिन, अलग अलग चीजें, सो ऑर्डरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज, सही है? जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन या फिर एडमिन एटसेट्रा। और अगर बहुत ज्यादा ऑर्डर किया तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ऑर्डर किया तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? स्टोरेज करने का, आउटडेट हो गया तो उसका इंटरेस्ट रिलेटेड कॉस्ट, पैसा ब्लॉक हो जाएगा, वो सब आ जाएगा। तो चलो वो भी लिख लेते हैं, वो भी लिख लेते हैं। सपोज टू मच मंगा लिया, टू मच है तुमने मचाई, टू मच मंगा लिया तो भी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर आउटडेटेड हो जाएगा, कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, कैपिटल ब्लॉक हुआ तो उसकी वजह से इंटरेस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा, सो ये सारी चीजें यहां पे आ सकती है। सर ये कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये क्या है? नहीं समझा, आओ बता दो। समझो आपने टू मच मंगा लिया, समझो आपको 1000 क्वांटिटी मंगाना था, दिस इज अ बैलेंस्ड क्वांटिटी, बट आपको पता नहीं था, आपने मुझे अपॉइंट ही नहीं किया, तो आपने गलती से ज्यादा मंगा लिया, 1500 क्वांटिटी मंगा लिया, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? अब समझो 1500
मतलब आपने एक्स्ट्रा कितना मंगाया, कहना इसे 500 क्वांटिटी एक्स्ट्रा मंगा लिया आपने, अब एक क्वांटिटी के ऊपर से इंटू 1000 पर रॉ मटेरियल है, तो 1000 इंटू 500 कितना होता है, समझो रुपीज 5 लाख फुकट का गया ना अभी, तो आपका 5 लाख फुकट का आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो सप्लायर है उसको तो आपको पूरा देना पड़ेगा 1500 का, तो 500 जो एक्स्ट्रा दोगे, 500 क्वांटिटी एक्स्ट्रा का 1000 पर रॉ मटेरियल के हिसाब से 5 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यही 5 लाख अगर मैंने 10% FD में डाला होता तो कहना इसे 50,000 मिल जाता ना, अब ये नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, समझी गुडू, शाबाश शाबाशी शाबाशी। समझ गए, अच्छा ये लिख लिया, लॉजिकली क्लियर हो गया ये पॉइंट्स, तो इन शॉर्ट सर समझ गए, ना टू लिटिल मंगाना है ना टू मच मंगाना है, तो कितना मंगाना है वो तो बताओ, एग्जैक्टली उसी के लिए मैं इधर बैठा हूं, उसी के लिए अपन लोग ये चैप्टर कर रहे हैं, उसी के लिए अपन ये चैप्टर कर रहे हैं, समझ रहे हैं समझ रहे हैं, आओ आओ देखते हैं। सो देयरफॉर रॉ मटेरियल परचेजेस शुड बी बैलेंस्ड इन क्वांटिटी, रॉ मटेरियल परचेजेस शुड बी बैलेंस्ड इन क्वांटिटी, ताकि नो ओवर स्टॉकिंग, है ना, नो ओवर स्टॉकिंग, सफिशियंट क्वांटिटी अवेलेबल होना चाहिए, सफिशियंट क्वांटिटी शुड बी अवेलेबल टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, बराबर, और ओवरऑल परचेज कॉस्ट मिनिमाइज, ओवरऑल परचेज कॉस्ट शुड ऑल्सो बी मिनिमाइज, ए समझ गुडू, बोलो रे। सो फाइनली 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 अब आ रहे हैं अपन लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर के ऊपर, एंड दैट इज क्या है ये बैलेंस्ड क्वांटिटी। सर बहुत आपने माहौल बना दिया, अब बता भी दो क्या है ये बैलेंस्ड क्वांटिटी। सो अब हमारा जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, ये परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम है मटेरियल खरीदना, तो वो अब पूछ रहा है कि भाई मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट्स क्या क्या होते हैं, तो अब अपने को क्लैरिटी आ गया कि मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट्स क्या क्या होते हैं, एंड उसमें सबसे पहला जो कॉस्ट होता है ना बेटा, दैट इज कॉल्ड एज द परचेज कॉस्ट, मटेरियल खरीदने का खर्चा, जी हाँ। उसके अलावा जो कॉस्ट होता है ना, वो आप लोग नोट करोगे ना यहाँ पे तो दिखेगा आपको, एंड दैट इज रिलेटिंग टू द ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसमें ट्रांसपोर्टेशन एडमिन इंश्योरेंस जो भी है सब आ गया, एंड बहुत ज्यादा ऑर्डर कर दिया तो क्या अपना पैसा स्टक हो जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट है, तीसरा कॉस्ट वो है। सो आओ लिखते हैं, अगर मेरे को कोई भी रॉ मटेरियल खरीदना है सो मुझे ये तीन कॉस्ट इनकर करने ही पड़ेंगे, पहला क्या परचेज कॉस्ट, पहला परचेज कॉस्ट, समझ रहे, कॉस्ट पेड टू द सप्लायर,
कॉस्ट पेड टू द सप्लायर. सेकेंड ऑर्डरिंग कॉस्ट. सेकेंड ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? यही सब, एडमिन, ट्रांसपोर्टेशन, यही सारा कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑर्डरिंग और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बेसिकली. सो इधर मैं लिख देता हूं कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑर्डरिंग ऑफ रॉ मटेरियल. ऑर्डरिंग और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, समझ रहे हैं? अब इसमें क्या क्या आता है बताओ मुझे, क्या आएगा इसके अंदर, क्या क्या आएगा बोलो. जैसे अभी तुम लोग ने जो बोला था एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा. अच्छा और क्या आएगा? लोडिंग अनलोडिंग ऑफ मटेरियल का कॉस्ट आ सकता है. सो लोडिंग अनलोडिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है. और कोई कॉस्ट जो तुमको लग रहा है आ सकता है? परचेज ऑर्डर एडमिन रिलेटेड कॉस्ट, वेरी गुड. परचेज ऑर्डर का एडमिन रिलेटेड कॉस्ट. सर ये लोडिंग अनलोडिंग क्या होता है भाई? ट्रांसपोर्टेशन से माल आ तो गया, उसको उतारना भी तो पड़ेगा. जितनी बार ऑर्डर करोगे उतनी बार 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 उतारना पड़ेगा, उतना बार बार ये लोडिंग अनलोडिंग का कॉस्ट लग जाएगा. यार क्या बात करते हो, राइट. फिर पैकेजिंग इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन जितनी बार आएगा उतनी बार इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट. एंड लास्ट पैकेजिंग कॉस्ट. एंड नेक्स्ट कॉस्ट है मेरा कॉस्ट रिलेटेड टू यस कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग, सो कैरिंग. बोलो क्या क्या आएगा इसमें? इसमें आता है समथिंग कॉल्ड, देखो अभी इसको कैरिंग कॉस्ट क्यों बोलते हैं. मैंने ज्यादा क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल मंगाया तो अब मेरे को उतना 500 क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कैरी करना पड़ रहा है, उतना मेरे को अपने पास रखना पड़ रहा है. वो कैरी करने के लिए मुझे स्टोरेज कॉस्ट इंकर करना पड़ रहा है, कैपिटल जो ब्लॉक हो रहा है उसका आउटडेटिंग का कॉस्ट है. तो ये इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट इंकर्ड फॉर होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्रीज. इसको बोलते हैं कॉस्ट इंकर्ड फॉर होल्डिंग इन्वेंट्रीज. कॉस्ट फॉर होल्डिंग इन्वेंट्रीज. रॉ मटेरियल को होल्ड करने का पैसा. इसमें क्या क्या आएगा? स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग कॉस्ट, स्टोरेज, वेयरहाउस रिलेटेड कॉस्ट. और क्या आ सकता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्रीज. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्रीज, इसको अपन प्यार से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं. एंड इंश्योरेंस रिलेटेड कॉस्ट भी यहां पे आ सकता है. गच्चा एवरीबॉडी सर. सो ये है टोटल मेरा परचेजिंग का कॉस्ट. अब इसको ऐसा बैलेंस करके चलना है ना मेरे को कि मेरा कॉस्ट भी अच्छी तरह से मैनेज हो जाए और टेंशन भी ना हो. ये वाला प्लीज प्रॉपरली कॉपी कर लेना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन स्टोरेज एरिया, वेरी गुड, वो भी आ गया बाय डिफॉल्ट अपने स्टोरेज कॉस्ट में सब आ गया, करेक्ट. तो ये जो मैंने एडमिन लिखा है ना बेटा, उसमें वो चीज भी आ गई, यू आर राइट. यहाँ पे भी है वेयरहाउस कॉस्ट, तो वेयरहाउस कॉस्ट में वो सारी चीजें आ गई. क्या तुम लोग का ये लिख के हो गया तो डन बोलो, तो मैं आगे बढ़ता हूं गाइस. कमान.
यस चल डन ओके। सो इन शॉर्ट अब आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई देखो मटेरियल का एक मेन परचेज कॉस्ट तो है ही, बट उसके अलावा और दो कॉस्ट है। क्या है वो दो कॉस्ट मुझे लिख के बताओ। एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा है कैरिंग कॉस्ट। एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा है कैरिंग कॉस्ट। ये दोनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। गाइस मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट कब बढ़ेगा, कब ज्यादा हो जाएगा और कैरिंग कॉस्ट कब ज्यादा हो जाएगा? कौन से सिचुएशन में ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा? जब आप एक साथ में ज्यादा इन्वेंट्री ऑर्डर करोगे या एक साथ में कम इन्वेंट्री ऑर्डर करोगे? सोच समझ के बोलना, कोई गाई नहीं मेरे। आई वॉन्ट योर लॉजिक्स टू बी वेरी क्लियर। कौन से सिचुएशन में ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, कौन से सिचुएशन में कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा? कम ऑन बोलो बोलो, चल चल। सो इधर मैं लिख रहा हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड दूसरा है मेरा कैरिंग कॉस्ट। बताओ। अगर टू लिटिल ऑर्डर किया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा, वेरी गुड आयुषी। कैरिंग कॉस्ट जब ज्यादा ऑर्डर किया, वेरी नाइस। ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस इफ टू लिटिल इज ऑर्डर्ड, इफ टू लिटिल इज ऑर्डर्ड दैट इज, सो इंक दैट इज ओसी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्डर्स, विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड कैरिंग कॉस्ट एग्जैक्टली इंक्रीजेस इफ टू हाई इज ऑर्डर्स, टू मच इज ऑर्डर इंक्रीजेस इफ टू मच इज ऑर्डर। दैट इज साइज ऑफ ऑर्डर इज हाई, साइज ऑफ ऑर्डर इज हाई, राइट। कर्न इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट, लार्ज में इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, बराबर, एकदम बराबर। सो कैन आई से एज अ परचेज मैनेजर मेरा क्या काम है? टू बैलेंस ऑल थ्री, परचेजिंग, ऑर्डरिंग, कैरिंग। सो देयरफॉर एज अ परचेज मैनेजर, हेलो बरखुरदार, एज अ परचेज मैनेजर देयर आर थ्री मेजर कॉस्ट्स इंकर्ड फॉर मटेरियल, थ्री मेजर कॉस्ट्स इंकर्ड फॉर मटेरियल। क्या है वो? ए परचेज रिलेटेड, बी ऑर्डरिंग रिलेटेड एंड लास्ट सी कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। समझ में आ गया गाइस? देखो क्या बोला है, बैलेंसिंग द अबाउ थ्री कॉस्ट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेज मैनेजर, ऑफ परचेज मैनेजर। टू इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करना है? यह है अपना मंत्र इस चैप्टर के लिए, राइट क्वांटिटी इन लीस्ट कॉस्ट इज ऑर्डर, इन लीस्ट कॉस्ट इज ऑर्डर। ए सब्जेक्ट
चलो अब क्या इधर तक सबको सब कुछ समझ में आ गया लॉजिकली? अब सर बहुत थियोरी हो गया, अब सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दो तो हम लोगों को शांति लगेगा कि हाँ भाई सब चीज समझ में आ गया है, आया टोटली अंडरस्टैंड दैट। एंड आप लोगों के लिए मैं लाया हूं एक मस्त वाला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मैं तो चाहूंगा कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप लोग खुद ही सॉल्व करें, ऑब्वियसली मेरी निगरानी में, एंड इट विल बी बेस्ट। देखो रॉ मटेरियल मेरी, अभी सुनो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। संकल्प कांस्टिया की खुद की एक फैक्ट्री है, SK फैक्ट्री, और संकल्प कांस्टिया कंफ्यूज है कि उस फैक्ट्री में वो कितने रॉ मटेरियल लेकर आए, तो वो क्या करने वाला है इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। वो कंफ्यूज है यार कितना रॉ मटेरियल ऑर्डर करूं, क्योंकि उसको डर लग रहा है, उसको अभी वो अभी सीखा है कि यार तीनों कॉस्ट बैलेंस होने चाहिए, ऑर्डरिंग और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट है उसको कैसे बैलेंस करे वो, उसको तो इतना सब आता नहीं है। तो वो आया है आपके पास, आपको उसको गाइड करना है। आइए देखते हैं क्या आप उसको गाइड कर पाते हैं क्या। चलो आइए देखते हैं क्या आप उसको गाइड कर पाते हैं क्या। एक सेकंड, आइए देखते हैं आप उसको गाइड कर पाते हैं क्या। सो रॉ मटेरियल, उसका रिक्वायरमेंट देखता हूं। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड किसको? SK फैक्ट्री को। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर एनम इज इक्वल टू 3,200 kgs ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड इन टोटल। 3,200 रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। इस 3,200 रॉ मटेरियल का परचेज कॉस्ट कितना है? आओ दिखाता हूं, सब लिखवाऊंगा, टेंशन मत लेना, तुम लोग को ही सॉल्व करना है इसको। परचेज कॉस्ट कितना है? ₹100 पर केजी। तो आप परचेज कॉस्ट टोटल आपका कितना हो गया? कैन आई से 3,200 kgs इनटू ₹100 पर केजी। डन। फिर और क्या है, और क्या है? सेकेंड, सेकेंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेकेंड है मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? ₹200 पर ऑर्डर। समझ लो एक बार ऑर्डर किया ₹200 लगेगा, एक बार ऑर्डर किया ₹200 लगेगा। इस ऑर्डरिंग कॉस्ट में सब आ गया, ट्रांसपोर्टेशन और अनलोडिंग और अनलोडिंग और फलाना ढिंकना सब आ गया, ट्रांसपोर्टेशन अनलोडिंग लोडिंग सब सारी चीजें यहां पे मेरे पास आ गई। क्लियर एवरीबॉडी? समझ रहा है? डन डन। और तीसरा मेरा कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट, तीसरा मेरा कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट विच इज इक्वल टू रुपीज। अब ये पर यूनिट के हिसाब से होता है, ऊपर पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट जो मेरा इंटरेस्ट का ब्लॉक हो रहा है पैसा, उसका कॉस्ट है ₹8 पर यूनिट पर एनम। इसके अंदर मेरी सारी चीजें आ गई, जैसे स्टोरेज और इंश्योरेंस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और फलाना ढिंकना सब आ गया इसमें। समझ गए? चलो सो ये है सिचुएशन। अब आपको बताना है कि SK फैक्ट्री को कितना रॉ मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए। सो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है रिलेटेड टू SK फैक्ट्री वॉन्ट्स टू नो, द नेशन वॉन्ट्स टू नो, SK फैक्ट्री वॉन्ट्स टू नो रॉ मटेरियल सिचुएशन। कौन लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो, फिर साथ में अपन लोग सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, मजा आ जाएगा सॉल्व करने में। और जब ये ऑर्डर सॉल्व कर लेंगे तो वहां से जो कॉन्सेप्ट डिराइव करेंगे ना, आहा। प्लीज
प्लीज कॉपी. यस चलो, अब संकल्प कांस्टिया की फैक्ट्री को बताओ जरा कि कितना ऑर्डर करना चाहिए राइट क्वांटिटी में. अब मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूं गाइस, वो स्टेटमेंट से तुम्हारे को जो सुकून मिलने वाला है ना, बता नहीं सकता. इसको बोलेंगे अपन, अभी मेरा खाली मेरे को ध्यान देना, तुम लोग नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, मैं थोड़ा भी मेरे पे फोकस करना क्योंकि मुझे नंबर्स की जरूरत पड़ेगी जो मैं तुम लोग से मांगूंगा. स्टेटमेंट टू कैलकुलेट ऑप्टिमम कॉस्ट एंड क्वांटिटी. ऑप्टिमम कॉस्ट एंड क्वांटिटी. अब मैं कुछ बना रहा हूं, ध्यान से देखना. टोटल मेरे को 7 कॉलम्स चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, अब देखो, अब सुनना. पहला पहला लाइन है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड एट वंस. नंबर ऑफ, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है थोड़ा सा? हाँ, नंबर नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड एट वंस, टू बी ऑर्डर्ड एट वंस. बहुत छोटा हो गया ना, मैं तुम लोग को खाली लिखवा देता हूं. देखो, फर्स्ट जो उसमें आएगा उधर आएगा नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड एट वंस, दूसरा टोटल परचेज कॉस्ट, तीसरे में अपन लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, चौथे फोर्थ में लिखेंगे अपन ऑर्डरिंग कॉस्ट. फोर्थ में लिखते हैं अपन ऑर्डरिंग कॉस्ट, विच इज एट द रेट 200 पर ऑर्डर. भाई क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 पर ऑर्डर. फिर नेक्स्ट एवरेज स्टॉक, ये क्या है बताऊंगा, डोंट वरी. नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. पर यूनिट पर एनम. एंड लास्ट टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट पर टोटल कॉस्ट. सो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड टू बी ऑर्डर एट वंस. फिर टोटल परचेज कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, देन ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 200 पर ऑर्डर. 200 पर ऑर्डर. देन एवरेज स्टॉक, देन कैरिंग कॉस्ट पुपा पर यूनिट पर एनम एंड टोटल कॉस्ट. अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा मुझे टाइम देना गाइस. ठीक है, चलो फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर दिया ना, उसके बाद में तुम लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आओ, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर एट वंस, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को कितने ऑर्डर करने हैं एक बार में. मुझे बताओ, कुछ भी गैस करो, एक नंबर बताओ.
नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड एट वंस, कुछ भी बोलो सर, टोटल 3200 यूनिट्स चाहिए, 3200 केजीज चाहिए, एक बार में कितना यूनिट्स ऑर्डर करोगे? आयुषी बोल रही है 3000, कोई बोल रहा है 2000, कोई बोल रहा है 1000, कोई बोल रहा है 200, कोई बोल रहा है 1600, इन शॉर्ट कुछ भी हो सकता है। स्टार्ट करते हैं एक्सट्रीम से, एक ही बार में सारा का सारा मंगा लो। एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़के देख मुझे दोबारा। सो एक ही बार में सारा मंगा लो, एक्सट्रीम केस। चलो एक ही बार में सारा मंगा लो, टोटल परचेज कॉस्ट कितना आएगा? एक ही बार में अगर आपने सारा मंगा लिया, हेलो, एक ही बार में अगर आपने सारा मंगा लिया तो मेरे को बताओ किसी का, देखो कोई 2500 बोल रहा है, ठीक है मैं बोल रहा हूं एक ही बार में सारा मंगा लिया तो टोटल परचेज कॉस्ट कितना आएगा, ये आपको मेरे को बताना है। बोलो सर, परचेज कॉस्ट तो है ना 100 पर केजी है, तो वो तो उतना ही आएगा। एग्जैक्टली, कौन ना बोल रहा है। सो 3200 मल्टीप्लाई बाय 100 पर केजी कितना होता है? 3,20,000। सो टोटल परचेज कॉस्ट 3,20,000। समझ में आ गया? आ गया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अब मैं आंसर नहीं दूंगा, मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को टोटल 3,200 केजीज चाहिए पूरे साल में, मैं एक बार में 3,200 केजीज मंगवा रहा हूं, तो मेरे को टोटल टोटल मेरे को कितना टाइम ऑर्डर करना पड़ेगा? इसका आंसर तो तुम लोग ही दोगे, मैं नहीं दूंगा। टोटल मेरे को कितना टाइम ऑर्डर करना पड़ेगा? बोलो बोलो, चल चल। आहा, एक सेकंड में आंसर आ गया सर, एक ही बार में ऑर्डर कर दोगे तो सारा आ जाएगा। चलो वेरी गुड। अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा? जितनी बार ऑर्डर करोगे उतना लगेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बता रहा, तुम ही बताओ मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का भी आंसर तुम लोग ने दिया, हाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा? वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा? बोलो बोलो, चल चल। एवरीबॉडी फास्ट, 200, क्योंकि एक ही बार ऑर्डर किया है तो सीधा 200 × 1, 200। अब कैरिंग कॉस्ट, एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को अभी बता दूं, यहां पे नोट, कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज कैलक्यूलेटेड ऑन एवरेज स्टॉक, उसके पीछे का भी रीजन है बता दो। चलो क्यों, देखो अभी कैरिंग कॉस्ट मतलब कितना एक्स्ट्रा मंगा लिया, जैसे मैंने आप लोगों को मेरे एग्जांपल में बताया था कि भाई देखो 1500 यूनिट की जरूरत थी, बट अपन ने एक्स्ट्रा 500 यूनिट एक्स्ट्रा मंगा लिया, तो वो जो 500 यूनिट एक्स्ट्रा मंगाया है वो आज नहीं तो कल सेल तो हो गई, बना रहे। सो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा वो जल्दी यूज भी हो जाएगा। सो ऑन एन एवरेज, ऐसा नहीं गिनते कि पूरा एक महीने का आपका इंटरेस्ट कॉस्ट लग जाए, उसमें से थोड़ा आपका यूज भी होना चालू हो जाएगा, उसमें से थोड़ा आपका यूज भी होना चालू हो जाएगा। सो एक अजम्पशन लिया है कि एवरेज 50% यूज हो जाएगा और 50% आपने एक्स्ट्रा मंगाया है, तो इसके लिए वी टेक द एवरेज स्टॉक, वी टेक द एवरेज स्टॉक। सो एवरेज स्टॉक किसका? जितना आपका क्वांटिटी है उसका एवरेज स्टॉक। कितना क्वांटिटी आपने ऑर्डर किया है, सॉरी कितना क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर किया है? 3200। तो जितना भी क्वांटिटी ऑर्डर किया है, तो एवरेज स्टॉक विल बी जितना भी क्वांटिटी ऑर्डर किया है डिवाइड बाय 2, उतना एक्स्ट्रा अज्यूम गिन के चलते हैं। बोलो सो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड डिवाइड बाय 2, दिस इज योर एवरेज स्टॉक। तो अब आपको मेरे को बताना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना आ जाएगा। ये 3200 डिवाइड बाय 2 हो गया, तो ये हो गया 1600 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम एट द रेट 8, 1600 × 8 कितना आता है? 12800। दिस गिव्स मी टोटल कॉस्ट, बोलो कितना? सो टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परचेज कॉस्ट, जो मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, प्लस कैरिंग कॉस्ट। बोलो तीनों ऐड करो कितना आता है? 3,20,000 प्लस 200 प्लस 12,800 एंड इट इज 3,33,000। क्या आप लोगों का भी यही आया गाइस?
क्या आप लोगों का भी यही आया है? बोलो बोलो, टेल टेल। समझ में आ गया सब लोगों को? अब ऐसे ही आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करना है अलग अलग सिचुएशंस के लिए। ये सिचुएशंस मैं आपको दूंगा और कोई नहीं, मैं। चलो ना, समझो आपने एक बार में अगर 1600 ऑर्डर किया, 800 ऑर्डर किया, 400 ऑर्डर किया, 200 ऑर्डर किया, तो क्या क्या सिचुएशन आते जाएगा ये आपको बताना है। देखो मैं लिख के बता दूं, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड, समझो 1600 किया तो क्या होगा, देखते हैं। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं आप लोग? अब अगर 1600 है आपका एक बार में ऑर्डर, तो आपका क्या कॉस्ट आएगा? चलो बताओ। सो कैन आई से, भाई कुछ भी हो जाए, 1600 भी एक बार में ऑर्डर किया तो दो बार में टोटल 3200 तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा, तो भैया टोटल परचेज कॉस्ट तो उतना ही रहेगा ना यार, या टोटल परचेस कॉस्ट तो उतना ही रहेगा ना यार, सच समझ रहे हैं क्या आप लोग? सो ये तो मेरा उतना ही रहेगा भाई, ये तो उतना ही रहेगा, इजी है ये तो, बराबर है। टोटल 10 भी ऑर्डर करूं तो 10 कितनी बार ऑर्डर करूंगा, टोटल कॉस्ट तो मेरा उतना है, उतना ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अगर 1600 ऑर्डर किया तो दो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टू, बराबर। कैसे आया ये भाई? टोटल सर 3200 चाहिए, एक बार में 1600 ही ऑर्डर होता है, एक बार में 1600 ही ऑर्डर होता है। टोटल 3200 चाहिए, एक बार में 800 ही ऑर्डर होता है, तो 4, बराबर ना, 8, 16, 32, 32, 80, 320 टाइम्स ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब अपने को बताए, एक बार का 200 तो दो बार का बोलो ना, दो बार का 400, 200 × 2, 4 बार का 800, 1600, 3200, 6400, 16000, 64,000 करो, 320 × 200 एवरेज स्टॉक, जो यूनिट ऑर्डर किया है उसका डिवाइड बाय 2, 3200 का नहीं हर बार, हाँ तो कितना ऑर्डर किया है, 1600 ऑर्डर किया है ना, उसका डिवाइड बाय 2, तो कितना आता है, 800, फिर 400, 200, 100, 50, 20, 10, 5, सही है। एंड लास्ट में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है ना, 800 × 8 कितना होता है, 6400, 6400। सब अभी तो लॉजिकली जाते जाएगा, 400 × 8 3200 है, एक देख रहे हो, जितना जितना ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है उतना उतना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट टोटल कम होते जा रहा है। 1600, 800, 400, 160, खाली 40। अब आ जाते हैं टोटल कॉस्ट के ऊपर, विच इज द डिसाइडिंग फैक्टर। देखो अभी ये 326 800, डन। उसके बाद 324, 3,24,000,
फिर 33,200, सॉरी 323,200। अबे तुम लोग देख रहे हो क्या, कम होते जा रहा है। 333 था, फिर 326,800 कम हो गया, फिर 324 कम हो गया, फिर 323,200 अरे वापस कम हो गया, फिर ओ बढ़ गया। थ्री ट्वेंटी फिर 326,800 फिर 336,160 एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट 384,040। गॉटचा एवरीबॉडी, आप मेरे को बताओ सबसे लोएस्ट कहां पे आ रहा है, आप मेरे को बताओ सबसे लोएस्ट कॉस्ट कहां पे आ रहा है। करेक्ट, सबसे लोएस्ट कॉस्ट आ रहा है 400 kgs वाले के ऊपर। तुम लोग अभी आराम से तुम्हारे हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बट अगर तुम लोग इसको ऑब्जर्व करोगे तो तुम लोग को दिखेगा सबसे लोएस्ट कॉस्ट आ रहा है जब मेरा 400 kgs है, जब मेरा 400 kgs है। ए सांजी गुडू, करेक्ट, एंड दैट इज 323,200। कब आ रहा है वो, अब उससे एक फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं मैं। कह रहा है इसे जब 400 kgs ऑर्डर कर रहा हूं तब मेरा आ रहा है। अच्छा एक नोट लिख देते हैं अपन कि परचेस कॉस्ट सब में सेम ही रहेगा। भाई परचेस कॉस्ट सब में सेम ही रहा है ना, 320,000 लिख लेते हैं भाई, तुम लोगों को क्या रिवीजन के टाइम पे अच्छा रहेगा। सो नोट वन, परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट विल बी इंकर्ड, परचेज कॉस्ट विल बी इंकर्ड ऑन एन ओवरऑल बेसिस, ऑन एन ओवरऑल बेसिस। That is irrespective of number of units ordered at one time, ordered at one time. That is ओवरऑल परचेज कॉस्ट विल बी सेम ओनली, विल बी सेम ओनली। समझ में आ गया एवरीबॉडी, बोलो बोलो, टेल टेल। अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट किया आपने, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट किया। कैन आई से टोटल क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर ऑर्डर, बराबर ना। टोटल क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड 3200 डिवाइड बाय, सपोज यहाँ पे 800 kgs किया तो 4 आया, बराबर। एक इसका भी नोट लिख देते हैं ना गाइस, सब चीज का नोट लिख पाओगे हाँ, ताकि तुम्हारे को रिविजन के टाइम पे हेल्पफुल रहे। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर ऑर्डर, पर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर। सो देखो जरा, सो कितना नंबर ऑफ ऑर्डर्स देना पड़ेगा। फर्स्ट केस में देखो टोटल 3200 थे,
डिवाइड बाय 3200 वन, सेकेंड केस में 3200 थे डिवाइड बाय 1600 टू ऑर्डर दिया, ऐसे करते 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 करते. अच्छा एवरीबॉडी, समझ में आ गया? नेक्स्ट थर्ड और एक नोट लिख देंगे अपन रिलेटेड टू कैरिंग कॉस्ट, क्या बोलते हो, है ना? कैरिंग कॉस्ट का भी तो अपने को लिखना चाहिए ना यार. डन. अब नेक्स्ट मैंने बोला ना कैरिंग कॉस्ट का, तो वो मैंने लिखवा दिया आई थिंक ऑलरेडी. कैरिंग कॉस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज स्टॉक. अब एक फाइनल कंक्लूजन देने जा रहा हूं. सो अब मेरे को बताओ कि आपको लोएस्ट कहां पे आया? एट 400 केजीज, करेक्ट? कैन आई से आपको लोएस्ट कहां पे आया? एट 400 केजीज, a place where ordering cost is equal to carrying cost. तुम लोग ने ये चीज नोट की गाइस, एंड दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ये कोइंसिडेंस नहीं है, हर बार ऐसा ही होगा. सो यू हैव टू ऑर्डर दैट मच क्वांटिटीज, आपको उतनी क्वांटिटीज ऑर्डर करनी है जब ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, because that is your economic order quantity, that is your economic order quantity, a level jahan pe the cost of material is minimum. samajh mein aa gaya kya conclusion pe apan log pahunche hain, kya conclusion pe pahunche hain? aao dekho idhar, kya conclusion pe pahunche hain? aao. Cost is minimum या जिसको अपन बोलेंगे ऑप्टिमम कॉस्ट इज मिनिमम और ऑप्टिमम व्हेन 400 क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑर्डर्ड एट वन टाइम एंड
एट दिस क्वांटिटी, एट दिस क्वांटिटी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट. एंड इसको जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट है मेरा, जहां पे ऑप्टिमम कॉस्ट आ जाता है, एकदम परफेक्ट रॉ मटेरियल आता है, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. जी हाँ, बोले तो समझ में आ गया गाइस, एवरीबॉडी क्लियर. एंड ये अपना सबसे पहला फंडामेंटल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल. अब ये ईगो क्यू का फंडामेंटल पूरी जगह पे आपको यूज होने वाला है, वेरी वेरी हाईली इंपॉर्टेंट. क्या आप लोगों को, सब लोगों को समझ में आ गया क्या ये लेवल, ऐसा लेवल जहां पे, ऐसा लेवल जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट है एंड मेरा टोटल परचेज, टोटल मटेरियल का कॉस्ट इज एट मिनिमम, इज एट मिनिमम. एंड ये हम लोग ने प्रूव किया है, ये एक एग्जाम्पल से हमने प्रूव किया है. कभी जिंदगी में इस एग्जाम्पल को मत भूलना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेड फॉर यू ऑल. सो क्या कंक्लूजन निकला मेरा, सुनो ना क्या कंक्लूजन निकला मेरा, दैट मेरा कंक्लूजन निकला दैट ईओ क्यू इज दैट लेवल. जस्ट अ मोमेंट, इज दैट लेवल वेयर देयर इज अ बैलेंस बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एंड कैरिंग कॉस्ट. अच्छा सर, ईओ क्यू है क्या, ईओ क्यू क्या है, ईओ क्यू क्या है, इट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम. एक बार में कितना मेरे को करना चाहिए, ये अब मुझे समझ में आ गया. एक बार में मुझे 400 क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए, एक बार में मुझे 400 क्वांटिटी किलो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए. सो ईओ क्यू इज द नंबर ऑफ यूनिट्स of raw material to be ordered at one time na balanced, perfect, ekdam. So EOQ ek balanced level hai, one time wo bhi likh de ho, at one time to keep total material cost at minimum. लिख लो लिख लो लिख लो फटाफट.
हुआ? बराबर है। अब फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, दिल थाम के बैठिएगा। ईओ क्यू क्या है? ईओ क्यू क्या है? बैलेंस्ड लेवल है। कौन सा बैलेंस लेवल? व्हेन ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाला तुम लोग ने? जितना नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाला, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाला? जितना नंबर ऑफ ऑर्डर्स उसके बेसिस पे ही निकाला। जितना नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, आओ लिख देते हैं यहां पे भाई। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने कैसे निकाला? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अच्छा, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाला? अभी देखो फॉर्मूला निकाला है तुम लोग ने, अभी तुम लोग ने फॉर्मूला बताया। टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर ऑर्डर, बराबर है? वो ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाला? टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड अपॉन क्वांटिटी पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाला? एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा, एवरेज स्टॉक कितना है? नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड डिवाइड बाय टू, यही है ना एवरेज स्टॉक, तो मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। समझे? ठीक है, अब इसको और थोड़ा डिकोड करना है ध्यान से। अब सुनो, ये टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्या है? कैन आई से टोटल क्वांटिटी, मतलब टोटल मेरे को पूरे साल में कितना क्वांटिटी चाहिए, ये है मेरा टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड। इसको अपन लोग बोलेंगे एनुअल डिमांड, इसको अपन बोलेंगे एनुअल डिमांड, बराबर बराबर। डिवाइड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर, एक बार में कितना क्वांटिटी ऑर्डर किया है, सो इसको बोलेंगे अपन ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी पर ऑर्डर। इसको प्यार से अपन लोग बोल देते हैं ओक्यू, ऑर्डरिंग क्वांटिटी ओक्यू, ओक्यू, ओके। फिर क्या बोला है देखो, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ओसी, ओसी इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड, क्या ना इसे, ये दोनों सेम ही तो है, ओक्यू अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अब इसको खोल दो, ओपन कर दो। ओक्यू, ओक्यू को साथ में ले आओ, ये ओक्यू को इधर ले आओ, बाकी सब इधर ले आओ। सो एडी एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ओसी, टू इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इक्वल टू ओक्यू स्क्वायर
ओ क्यू स्क्वायर हो जाएगा एंड फाइनली अपने को मिल जाएगा देयरफॉर जब मैं रूट कर दूंगा इसका तो आ जाएगा ओ क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ एनुअल डिमांड नहीं टू एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ए समझ गुड़ू। और जी हाँ इस ओ क्यू को ही अब अपन जब ये फॉर्मूला लगा रहे हैं प्यार से बोलेंगे ई ओ क्यू। भाई कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए ऑप्टिमम बैलेंस ई ओ क्यू जितना विच इज रूट ऑफ टू ए डी इंटू ओ सी इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। समझे कि नहीं एवरीबॉडी समझे कि नहीं। अब अपन यही फॉर्मूला में अपना वाला यूज करते हैं। अपन लोग ने तो निकाल अरे बाबा अभी अपन लोग ने जो एग्जाम्पल दिया ना उसमें ये फॉर्मूला अभी अपन लोग ने तो कैसे पूरा सॉल्व किया और फिर अपने को ईओ क्यू आया 400। डायरेक्टली करते हैं ना टोटल टू इंटू सुनो ना फॉर्मूला है अपने पास क्या टू इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। खुद से हक से फॉर्मूला डिराइव किया है इक्वल टू टू इंटू एनुअल डिमांड कितना है बोलो बोलो 3200 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 200 पर ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट कितना है 8। कट 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 करो यू विल गेट 400 यूनिट्स। टू वन जा टू फोर जा फोर वन जा फोर 50 जा 3200 इंटू 50 का रूट 400 यूनिट्स। ए समझ गए विद दिस आई हैव डिराइव द फॉर्मूला आई हैव सॉल्व द सम प्रॉप एग्जाम्पल भी हो गया सम भी हो गया। आई होप चीजें समझ में भी आ गई। क्या बोलते हो पब्लिक अब इसको रिवाइज करना पड़ेगा ये थोड़ी हैवी चीज है तुम लोगों के नाजुक दिमाग के लिए बहुत हैवी चीज है। अब इसको आपको थोड़ा आराम आराम से मैनेज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग। इजी विद दिस आई कंप्लीट आज का सेशन काइंड ऑफ ऐसा तो एक दो सम कर सकते हैं अगर तुम लोग में दम हो तो। लिख लिया समझ लिया अब भले ही आपको समझ में आ गया होगा बट अगर आप लोग इसको रिवाइज नहीं करोगे ना मैं बता रहा हूं गया पूरा लेक्चर मेरा वेस्ट है। सो इसके लिए गाइज प्लीज एंश्योर दैट यू आर रिवाइजिंग ईच एंड एवरी थिंग जो अभी आप लोगों को कराया मैंने। इसके लिए नोट्स में इतना डिटेल में लिखवाता हूँ कि आप लोगों को रिवीजन के टाइम पे किसी भी तरह का 1% का तफलीक नहीं होना चाहिए तकलीफ नहीं होना चाहिए। समझे क्या। चलो और अभी एक दो सम वम करना है कि थोड़ा भारी हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं कल करेंगे मस्त में एकदम अच्छी तरह से। मजा आया कि नहीं वो बताओ समझ में आया कि नहीं वो भी बताओ। मेरी तो इच्छा है मेरे को तो पूछोगे तो मैं बोलूंगा करना ही चाहिए एक दो सम मजा आएगा तो क्या करें आओ करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 चलो लेट्स स्टार्ट। अरे अरे चलो 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 फ्लो में हो रहा है तो करने का
रुकने का नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाओ। सब इजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। कहो, अभी अपन लोग ने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, बस उसी को यूज करने का अपने को मस्त में। क्या फॉर्मूला डिराइव किया? ईओ क्यू का। क्या फॉर्मूला डिराइव किया? ईओ क्यू का। सो क्वेश्चन नंबर फोर, लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स पर एनम 10,000 kg। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल 2, कैरिंग कॉस्ट इसके ऊपर ही कैलकुलेट होगा। लिखा ना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वो इसके ऊपर ही कैलकुलेट होगा। आओ बताता हूँ, बताता हूँ, डोंट वरी। सो देखो, सबसे पहले क्या है गिवन इन्फो। एनुअल डिमांड एडी, एनुअल डिमांड कितना है? 10,000 kgs। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 पर ऑर्डर, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज कैरिंग कॉस्ट वाला पॉइंट। सो कैसे कैलकुलेट होगा ये पता है? परचेज कॉस्ट पर केजी इनटू सॉरी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज। अब सुनो, कहना इसे कैरिंग कॉस्ट मतलब स्टोरेज वाला कॉस्ट। वो देखो ये लोग ने स्टोरेज वाला ही कॉस्ट दिया, 8% ऑन एवरेज इन्वेंटरी स्टोरेज कॉस्ट। कॉस्ट कितना है? 2। तो 2 रुपए के ऊपर 8% इज टू बी टेकन। सो परचेज कॉस्ट है 2 × 8%, ये हो जाता है ₹0.16 पर यूनिट पर एनम। अब मेरे पास एनुअल डिमांड है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है। बोलो लाइफ में और क्या चाहिए? ईओ क्यू इज इक्वल टू 2 × 10,000 × ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 डिवाइड बाय 0.16 इक्वल टू। एंड यहां पे आ जाता है अपना ईओ क्यू इज इक्वल टू 2,500 kgs। समझ में आ गया? इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? एक बार में कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है टू एंश्योर मिनिमम कॉस्ट, टू एंश्योर मिनिमम कॉस्ट। अच्छा बस खाली एक चीज जो यहां से सीखी है इस सम से, वो है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, विच इज परचेज कॉस्ट पर रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट बोलो या स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज। डन डन डन। हाँ बस बस बस, और नहीं करा रहा, टेंशन मत लो। क्लियर? एक लास्ट चीज, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। टोटल 10,000 kg, हर बार 2,500 मंगवाओगे तो टोटल 4 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, बस उतना वो लोगों को बताना है। बता देते हैं, आओ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी
डिवाइड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। तो अपने को टोटल क्वांटिटी देना है 10,000 रॉ मटेरियल का, एक बार में अपन लोग ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर कर रहे हैं भैया, एक बार में अपन ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर कर रहे हैं कितना 2500। तो 4 ऑर्डर्स पर एनम, एंड विथ दिस होता है मेरा ये आज का सेशन। चलो डन 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 डन, ओके टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, मिलते हैं कल के सेशन में, एंड सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच। हाँ अब तुम लोग रिवाइज करके आओ, डाउट हो तो पूछो, है ना, लाइव में हो, और जो गूगल ड्राइव का है वो क्या कर सकता है, वो व्हाट्सएप कर सकता है। चलो बाय बाय, थैंक यू।